उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रवेशन्ति मुखे मृगा। जय हिंद दोस्तों, मैं देवेंद्र सिंह राठौर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल देवेंद्र राठौर। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे आपके लिए वीडियो लेकर आ रहा हूँ जिसमें कि 10वीं पास बच्चे जो अपना करियर डिफेंस में बनाना चाहते हैं या फिर जो 10वीं के बाद सरकारी नौकरी ढूंढ रहे हैं, उन सभी के लिए मैं आज लेकर आया हूँ एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो कि मात्र 10वीं पास ही सरकारी नौकरी पकड़ सकते हैं, नौकरी जॉब ले सकते हैं। तो उसके लिए आज मैं आपको बताऊंगा कि डिफेंस कैरियर के अंदर जो 10वीं में पढ़ रहे हैं बच्चे या जो 8वीं 9वीं पढ़ रहे हैं या उन सभी पेरेंट्स के लिए भी ये वीडियो है जो अपने बच्चों को डिफेंस में भेजना चाहते हैं या आजकल जिस हिसाब से जो देशभक्ति की लहर चल रही है और आज जो पूरे भारत देश के अंदर जो नेशनलिज्म की जो देश में जो देशभक्ति की जो भावना है उस भावना के को देखते हुए आज का हर एक यूथ ये चाहता है कि वो डिफेंस ज्वाइन करे। लेकिन वो डिफेंस में जाना तो चाहते हैं करियर एज ए करियर, लेकिन वो सही गाइडेंस नहीं मिलने की वजह से, सही रास्ता नहीं मिलने की वजह से वो ओवरेज हो जाते हैं और फिर उनका सपना सपना ही रह जाता है। तो आज दोस्तों मैं उन सब के लिए आज बताऊंगा कि किस तरह से एक कम उम्र में मात्र 10वीं पास से ही एक सरकारी जॉब पकड़ सकते हो और वो आप इंडियन आर्मी के अंदर आप अपना करियर बना सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है और आपके पेरेंट्स को भी ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें क्या करना है। तो चलते हैं बिना देरी के इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि बिना बेल आइकन प्रेस किए आपको नए नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे। साथ ही दोस्तों मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि ये वीडियो कुछ बड़ा हो सकता है लेकिन सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसके अंदर एक ही वीडियो में मिल जाएगी। अगर आपने इस जो मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ उसके हिसाब से काम किया तो मात्र एक साल के अंदर आपको जॉब आपके हाथ में होगी। तो चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों, अगर आप जैसे बच्चों जो 10th में पढ़ रहे हैं, जो बच्चे उन बच्चों के लिए जो अभी इस साल 10th में है या जिन्होंने 10th पास की है या जो 8वीं में पढ़ रहे हैं, बच्चों और बच्चियों दोनों के लिए मैं बताना चाहूँगा, साथ ही पेरेंट्स भी ध्यान रखें, अगर आप डिफेंस में जाना चाहते हो तो सबसे पहले आपको 10th पास करनी पड़ेगी। 10th पास करने के लिए आपको 45% आपके होने चाहिए। अब आता है एलिजिबल क्राइटेरिया है, ये 45% आपके मार्क्स होने चाहिए। एग्रीगेट एवरी सब्जेक्ट 33% से अबव होना चाहिए, कम से कम 33% होना चाहिए और आपके किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेस नहीं होना चाहिए। ये तो हो गया आपका एजुकेशन का। इसके अलावा आपका हाइट मेजरमेंट के लिए 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, लेकिन इसके अंदर बहुत से अलग जैसे पहाड़ी एरियाज के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है, वो मैंने इस आप मेरे पास यहाँ पर जो चार्ट देख रहे हो चार्ट के अंदर मैंने बता रखा है, देख लेना आप। तो इसके अंदर उनको छूट होती है 160, 157 इस तरह से। और गर्ल्स के लिए भी क्राइटेरिया में कुछ छूट है, रियायत है, वो आप इस चार्ट के माध्यम से देख सकते हो। ये है। इसी के साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप डिफेंस करियर में इंटरेस्टेड हैं, अगर आप डिफेंस में एज ए करियर बनाना चाहते हैं तो 10वीं पास करने के बाद आप तैयारी कर दीजिए। अब तैयारी इसकी जो डिफेंस के लिए भर्ती के लिए होते हैं, वो बच्चे बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत तैयारियां करते हैं उसके बावजूद सिलेक्शन नहीं पा सकते हैं। उसका रीज़न ये होता है कि वो सही वे में सही रास्ते पर नहीं जा रहे होते हैं। आपको मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हो तो 3 फेजेज में इसकी तैयारी होती है। नंबर एक होता है इसका सबसे पहले फिजिकल, उसके बाद मेडिकल, देन रिटन।
तो बच्चों क्या गलती करते हैं, बच्चे हमेशा सबसे पहले फोकस करते हैं फिजिकल पे, वो फिजिकल 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 पे ही ध्यान देते हैं और इन दोनों को नज़रअंदाज कर देते हैं। जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ता है वो फिजिकल में तो पास हो जाते हैं लेकिन आगे जाकर के वो फेल हो जाते हैं। जबकि अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, मैं आपको बता देना चाहूँगा, बहुत से बच्चे होते हैं जो गलत रास्ते पे चले जाते हैं। वो लोग उन्हें वो लोग कह देते हैं कि आप 4:40 पे लियाओ, 4 मिनट पे टाइम लियाओ, आपको सिलेक्शन ले लेंगे, आपको स्पेशल सिलेक्शन ले लेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। आर्मी के अंदर जो मानदंड है, मापदंड दिए गए हैं, उन मापदंड के आधार पे उन्हें उतना ही चाहिए। आप कोई स्पोर्ट्स की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप स्पोर्ट्स कोटे से नहीं जा रहे हैं, आप एज ए सोल्जर एक रैली एंट्री से जा रहे हैं, तो अगर उससे जा रहे हैं तो एक सामान्य जो मापदंड है उतना ही तैयारी कीजिए। कोई जरूरत नहीं आपको 4:30 4 मिनट की तैयारी करने की। अगर आप 5 मिनट भी टाइमिंग ला रहे हैं तो बहुत एनफ है। और साथ ही आपको क्या करना है, मेडिकल का भी ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट जो मैंने बताया, मेडिकल मेडिकल में आपको चेक करना है कि क्या मैं मेडिकली फिट हूँ। उसके लिए आप कहीं भी जाकर के चेक करा सकते हैं, आप और कहीं नहीं तो हमारे पास आ सकते हैं, मुझसे मिल सकते हैं, मैं आपकी करियर काउंसलिंग करूंगा, साथ ही आपको फिजिकल मैं बता दूंगा कुछ पॉइंट्स हो। मेडिकल में ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर आपके कोई मेडिकल पॉइंट है तो आप अगर उसको 5-6 महीने पहले पता चल जाता है तो उसका ट्रीटमेंट हो सकता है और आप फिट हो सकते हो। लेकिन बहुत से बच्चे क्या करते हैं, जब फिजिकल पास हो जाते हैं और उन्हें मेडिकल पॉइंट मिल जाता है तो वो छटपटाते हैं, भागते हैं, पता नहीं किन किन के पास जाते हैं, दलालों के चक्कर में जाते हैं। मैं आपको बता दूं, आप दलालों से सावधान रहिए, दलाल आपको पास नहीं करा सकते, भर्ती नहीं करा सकते, आपकी मेहनत ही आपको भर्ती कराएगी। आप अपनी ध्यान रखिए। और दूसरा जो मेडिकल पॉइंट्स है उनको सबसे पहले आप चेक कीजिए कि आप फिट फॉर हैं। अगर आप में थोड़ी बहुत कमी है, नॉकनीज वगैरह, एल्बो बेंड या बोलेक्स, इस तरह से कोई भी अगर दिक्कत है तो उनका इलाज होता है, उनके एक्सरसाइज के माध्यम से हो सकता है, छोटी मोटी जो ट्रीटमेंट से करा सकते हो, मेडिकली ट्रीटमेंट ले सकते हो, उनसे वो ठीक हो जाएगा। देन उसके बाद आता है रिटर्न। तो बच्चे रिटर्न के लिए सीरियस नहीं होते हैं पहले, और वो क्या करते हैं, जब एग्जाम में पास हो जाते हैं, जब उनका मेडिकल पास हो जाता है, उसके बाद वो रिटर्न के लिए तैयारी करते हैं। उसमें दिक्कत ये होती है कि उनके पास वक्त बहुत कम होता है और आजकल कंपटीशन बहुत हार्ड है, बच्चे बहुत पढ़ने वाले बहुत पढ़ते हैं, तो जो 45 डेज का इनको टाइम मिलता है उस टाइम के अंदर वो अपनी पूरी तैयारी नहीं कर पाते हैं और आगे चल करके वो मेरिट आउट हो जाते हैं। तो अगर आपको सही वे में सही सिलेक्शन चाहिए तो लगभग 1 साल आप अच्छी तैयारी कीजिए। साथ ही आप तीनों को, फिजिकल, मेडिकल और रिटर्न, इन तीनों को साथ लेते हुए तैयारी करते हुए चलिए, आप बिल्कुल श्योर 100% सिलेक्शन होगा। अब आइए हम बात करते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे है, किस तरह से आप सिलेक्शन ले सकते हैं, इसके अंदर इसकी क्या प्रोसेसिंग है, क्या प्रक्रिया है। तो सबसे पहले आप 10वीं के अंदर जब पास हो जाते हो तो इसकी दो तरह से भर्ती होती है, एक होती है रैली भर्ती और दूसरी होती है सेंटर भर्ती, रिलेशन भर्ती। तो रैली भर्ती के अंदर ज्वाइन www.joinindianarmy.nic.in के एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट के ऊपर ऑनलाइन फॉर्म फिल होते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका कोई पैसा नहीं लगता है। तो उसके अंदर आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन जब हो जाता है, इसकी जो वैकेंसीज आती है वो स्टेट वाइज डिस्ट्रिक्ट वाइज आती है, तो उसके अंदर जैसे आप जिस जिले के हो, जिस स्टेट के हो, उसके हिसाब से जो वैकेंसी आई, जब आप उसका फॉर्म फिल कर सकते हो। अभी इसके अंदर पिछले 2 वैकेंसीज आई है जो मिलिट्री सेना पुलिस, जो हमारी बेटियां हैं, जो लड़कियां हैं, वो भी आजकल उनमें बहुत जोश है, जुनून है, जज्बा है देशभक्ति का, वो भी आर्मी में करियर बनाना चाहती है। तो जीडी कांस्टेबल के लिए, जीडी सोल्जर, जो हमारा जीडी सोल्जर एज ए मिलिट्री पुलिस के अंदर जो हमारी बेटियों को अलाउ किया गया है, 2 बैच पास आउट हो चुके हैं, 99 99 वैकेंसीज आई है और अभी नेक्स्ट अभी आएगी, तो उसके अंदर जो बच्चियां हैं वो भी उसके अंदर फॉर्म फिल कर सकते हैं। उनकी भी वही क्राइटेरिया है जो अभी मैंने पहले बताया था। अब इसके अंदर क्या होगा, वो जब अपने उनके फॉर्म फिल हो जाएंगे
तो उसके बाद जब डेट डिक्लेयर हो जाती है, अभी कोरोना काल की वजह से कुछ भर्तियां हैं जो कि पोस्टपोन्ड हो गई है या आगे उनको शिफ्ट कर दिया गया है, तो जैसे वो वैकेंसीज आएगी उनकी डेट नोटिस आएगा, तो नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद उसके अंदर ज्वाइन इंडियन आर्मी वेबसाइट है उसके ऊपर आपके जो लेटर है, जो आपका होल लेटर है जो आपको दौड़ने के लिए आएगा परमिशन लेटर, उस परमिशन लेटर को लेकर के आप दौड़ने के लिए जाओगे। दौड़ने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे वो इस ज्वाइन इंडियन आर्मी वेबसाइट के ऊपर आपको मिल जाएंगे, वो सब डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स लेकर के आप वहां पर दौड़ने के लिए जाते हो। जब वहां दौड़ते हो तो दौड़ने के अंदर जब आप पास हो जाते हो तो फिर फिजिकल प्रोसेसिंग होती है जिसके अंदर बीम वगैरह और कुछ होते हैं। अगर आप फिजिकल पास हो जाते हो उसके बाद मेडिकल होता है, मेडिकल के लिए आपको मेडिकली चेक करते हैं, अगर आपको वहां पर कुछ पॉइंट दिया जाता है मेडिकल पॉइंट, टेम्परेरी अनफिट किया जाता है। जैसे बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो टेम्परेरी अनफिट से ये मान लेते हैं कि हम तो अनफिट हो गए, ऐसा नहीं है। टेम्परेरी अनफिट वहां दिया जाता है क्योंकि वहां डॉक्टर साहब के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो पूरा डिटेल में आपको चेक करे, अगर उन्हें कुछ थोड़ा बहुत डाउट हो जाता है तो वो आपको दे देते हैं, पॉइंट दे देते हैं। अब उस पॉइंट के ऊपर आपके पास वक्त होता है 1 महीने का या 15 दिन 20 दिन जो भी डेट मिल जाती है, उसके बाद आप नियरेस्ट जो आपको एमएच अलॉट होता है उस एमएच के अंदर आप जाकर के चेक कराते हो। मैं आपको एक बार फिर क्लियर कर देता हूँ कि अगर आपको वहां टेम्परेरी अनफिट कर दिया इसका मतलब ये नहीं है कि आप अनफिट हो। अगर आप फिट हो तो वहां पर जो एमएच के अंदर जो स्पेशलिस्ट है वो चेक करेंगे, अगर आप फिट हो तो फिट हो, उन्हें कोई अनफिट नहीं करता है, लेकिन जो अनफिट है उसे कोई फिट नहीं करा सकता। इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आप दलालों से सावधान रहिए, दलालों के चक्कर में मत पड़िए, और जब आप मेडिकली फिट हो जाते हो उसके बाद आपको रिटर्न की तैयारी के लिए टाइम दिया जाता है, और रिटर्न होता है, रिटर्न के बाद में फिर आपका देन उसके बाद आपकी मेरिट बनती है, और मेरिट में जो सेलेक्ट हो जाते हैं उनको ज्वाइनिंग लेटर दिया जाता है, और फिर उन्हें उनकी बटालियंस या जो सेंटर है वो अलॉट कर दिए जाते हैं, और वहां पर वो सेंटर में ट्रेनिंग करते हैं। 9 महीने की ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग के बाद में वो सोल्जर बन जाते हैं। ये है सिर्फ 10वीं पास में, जो बच्चा 16 साल की उम्र में होता है, और 16 साल के बाद में वो 16 16.5 17 17.5 स्टार्ट है इसकी जो एज लिमिट है वो 17.5 से 21 साल जीडी की है। उसके अंदर जो बच्चा 16 साल में पास करके आया उसके पास 1 साल की 1.5 साल का टाइम होता है प्रिपरेशन का। अगर वो ढंग से 1-1.5 साल तैयारी करता है तो उसके आर्मी में ज्वाइन करने से उसे कोई नहीं रोक सकता है, बिल्कुल फिट हो सकता है। तो दोस्तों इस तरह से आर्मी में आप अपना करियर बना सकते हो। आपको पता होना चाहिए आर्मी के अंदर आर्मी की जो नौकरी है वो सिर्फ एक सर्विस नहीं है, एक अपॉर्चुनिटी है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो अपॉर्चुनिटी किस प्रकार से है, क्योंकि जैसे कि मुझे आप देखिए, मैं जब फौज में आर्मी में भर्ती हुआ था तो मात्र 10वीं पास करके भर्ती हुआ था, और उसके बाद मैंने वहीं पे जाकर के 12th किया, उसके बाद ग्रेजुएशन की, और आज मेरी जो डिग्रीज है मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं एमए हूँ हिस्ट्री से, और इसके अलावा मैंने एलएलबी कर रखा है। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि अगर आप आर्मी में भर्ती हो गए 10वीं पास करके आ गए तो इससे ये नहीं होता है कि आपकी एजुकेशन वही खत्म हो जाएगी, आप चाहो तो अपनी एजुकेशन आर्मी में जाके कंटिन्यू कर सकते हो। साथ ही आपको वहां पर कई करियर अपॉर्चुनिटीज मिलती है, जैसे कि आप 10th पास करके गए हो तो आगे आप ऑफिसर्स के लिए ट्राई कर सकते हो। वहां पर आप जैसे 12th पास करके उसके बाद एसीसी कमीशन से कमीशन लेकर के आर्मी में ऑफिसर बन सकते हो। इसके अलावा अगर आपके अंदर हॉबीज है, कोई आपकी स्किल है, जैसे आप बहुत अच्छा अगर गाना बजाना जानते हो तो आप उसमें करियर बना सकते हो। जैसे कि आर्मी के बहुत सी सोल्जर्स हैं जो इंडियन आइडल तक पहुंचे हैं। इसी के अलावा अगर आप में कुछ स्पोर्ट्स की स्किल है, आप अच्छा खेलते हो, तो आप खेल के अंदर बहुत आगे बढ़ सकते हो। आर्मी आपको सपोर्ट करेगी, वो सारा प्लेटफॉर्म देगी आपको, अच्छे कोच देगी, अच्छी डाइट देगी, जिसकी वजह से आप ओलंपिक तक जा सकते हो, जो कि ऑलरेडी हमारे जो जवान हैं सोल्जर्स हैं वो
ओलंपिक तक गए हैं। इसी तरह से और भी बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है जो कि आपको आर्मी में जाकर के बहुत आगे तक बढ़ने को मौका मिलता है। साथ ही यहाँ पर एक अच्छा एडवेंचर लाइफ है, ये एक बेहतरीन जॉब है, एक सिक्योर जॉब है। इसी के अलावा एक आपको देश की सेवा करने का मौका मिलता है, साथ ही आपको आपके परिवार को मेडिकल फैसिलिटीज मिलती है, कैंटीन सुविधा मिलती है, सैलरी मिलती है, पेंशन सुविधा मिलती है। ऐसे बहुत से बेनिफिट्स हैं जो आपको आर्मी में जाकर मिलते हैं। तो दोस्तों, अगर आप सही वे में, सही रास्ते में अगर तैयारी करते हो तो आप बहुत ही जल्दी आप मात्र 10वीं पास में एक अच्छी जॉब पकड़ सकते हो, जो कि आपको एक अच्छा करियर और एक अच्छा समाज में रुतबा देगी, एक अच्छी इज्जत देगी। तो जय हिंद, गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।